और खबर हरियाणा से, आपको दो दिलेर बहनों की हम तस्वीरें दिखाएंगे। और आपको बता दें, दो दिलेर बहनों ने चलती बस में मंचनों की जमकर धुनाई कर दी है। आपको बता दें, आरती और पूजा नाम की ये दो बहनें फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर, लेकिन ये तस्वीरें आप पहले देख लीजिए। लड़कियां बड़ी कम हिम्मत कर पाती है, लेकिन दिलेरी की मंचलों की जमकर पिटाई कर दी। आरती और पूजा बनी हुई है हमारे साथ। आरती, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से बस में चढ़ी थी, और ये जो लड़का था क्या क्या कहा था इसने, कुछ कहा था आप लोगों से, बदतमीजी की थी? मैम, हम रोहतक में बस स्टैंड है, वहाँ से बस में चढ़े थे। जैसे इंबर स्टैंड पर एंट्री की हमने, उन लड़कों ने अपना जो नंबर होता वो लिख के एक पर्ची पे हमारी तरफ फेंके जा रहे थे। तो मेरी बहन ने बोला कि ये नंबर मत फेंको हमारी साइड। बोले क्यों ना फेंके, लड़कियों का काम होता है लड़कों से बात करना, लड़कियों की तौकात ही यही होती है। तो वो ग्रुप में थे लड़के या वो अकेले था? नहीं मैम, दो लड़के थे बस स्टैंड पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैम हम बस में बैठ गए थे। बस में बैठने के बाद वो बोला कि हमारा जो सीट नंबर था वो 7-8 सीट नंबर था। बोले कि 7-8 सीट नंबर किसका है? मेरी बहन बोली मेरा। बोला कि वो का तो स्टेपनी पे बैठन की है, बैठी सीट पे, तू नारी पी एम लग रही जो सीट पे बैठ गई। मेरी बहन ने कहा क्यों तू लगा पी एम जो ऐसे बोल रहा है? बोला कि तू उठ कर और यहाँ पर बैठ जा स्टेपनी पे जो तेरी औकात है। मैंने बोला भाई चुप रह, समझ बकवास ना कर, जैसे कुछ बोल रहे हम अपनी सीट पे बैठे ना, चुप बैठ गया। तो वहाँ जो बाकी लोग बैठे हुए थे बस में, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला? हेलो आरती, आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी मैं बोली। आरती, ये बताइए कि जब ये सब हो रहा था बस के अंदर, तो बस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने बीच में कुछ नहीं कहा उन लड़कों को? नहीं मैम, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप बैठे थे। हाँ एक लड़की ने बोला था कि क्यों बोल रहे हो इनको, वो लड़की प्रेग्नेंट थी, उसे भी मारने के लिए बोले क्या बोलेगी तू, तुझे बता देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। उस लड़की के साथ बदतमीजी किए जा रहे थे। तो मैंने बोला क्यों बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, दिखाई नहीं देता ये लड़की प्रेग्नेंट है? बोले चलो कोई नहीं, हम तो तुम लोगों के साथ चल लेंगे। ऐसे छेड़छाड़ करने लगे, एक तरह गंदे इशारे करने लगे। तो फिर मैंने बोला कि हमारे साइड की किस्मत करो, करनी है दूसरी साइड करो, लेकिन हमारी साइड नहीं, क्यों करेंगे। चलिए आरती, आपने और आपकी बहन ने जो बहादुरी दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है, और आप लोगों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, और इन मंचलों को सबक एक तरह से मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती आपका हमसे बात करने के लिए।